नमस्कार फ्रेंड्स, इंडोमैक बिजनेस सॉल्यूशन भारतीय बजट का एक दिन हुआ है और ये बजट फ्लाइट मोड में है और ये ऑटो क्लस्टर में लगा हुआ एक बहुत सुंदर तरीके से एक इस तरह से एक्सपो कि जो भारतीय इंडस्ट्री को इन्हेंस करेगी, सपोर्ट करेगी। और आज हम अपने ज़िला के उपायुक्त अरवा राज कमल, जो कि स्वयं डायनेमिक हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इनसे बेहतर और कौन कोई समझ सकता है। तो मैं राजकमल जी से जानना चाहता हूं कि ये जो इस तरीके का इनिशिएटिव है, जो इस तरीके के लोगों ने, इंडस्ट्रीज लोगों ने, तापस जी ने, खास करके तापस जी का इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा जोर रहता है, ऑटो क्लस्टर्स के ऊपर बहुत फोकस रहता है, हमारे फ्रेंड्स का भी बहुत रहता है, तो क्या कहेंगे इस तरीके का इनिशिएटिव पर? और आपका भी तो वही बैकग्राउंड रहा है, क्या कहेंगे? काफ़ी खुशी हो रही है कि एक जनरल परसेप्शन है कि जो ऑटो इंडस्ट्री हैं वो एक बियॉन्ड ए पॉइंट ग्रो नहीं हो सकता है, एक जनरल परसेप्शन लोगों में है जी। लेकिन उसको ब्रेक करते हुए जो ऑटो क्लस्टर में जो एक्टिविटी बढ़ रही है तो देख के काफ़ी मुझे खुशी हो रही है। आप विगत 2-3 साल में भी देखेंगे तो कई सारे नया इंडस्ट्री भी यहाँ सेटअप हुआ है जी। और आज जो इंडोमैक के द्वारा जो एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी, इससे दोनों तरफ, माने एक बायर साइड से एक सेलर साइड से, दोनों तरफ का दोनों तरह लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अराउंड 130 शॉप्स, डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ लगे हैं और न्यू इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो नया नया मशीनरी जो अवेलेबल हैं उसके बारे में भी डिस्प्ले किया जा रहा है। काफ़ी वन थिंग आई ऑब्जर्व इज दैट काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ जो स्टॉल्स में जो लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि इनएक्टिव रूप से बैठे हैं, काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से लोगों को समझाने का भी काम कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोकल आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर का भी मैंने मिला, वो भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में उनको जानकारी मिल रही है। एक इंडस्ट्रियल जो कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा नेटवर्किंग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि झारखंड में विशेषकर आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर का एक विशेष स्थान है और लगातार एक जॉब ग्रोथ, जॉब एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वाइटल एरिया माना जाता है। तो अभी जो झारखंड सरकार का भी सोच है कि इस एरिया को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब के रूप में भी आने वाले दिनों में कन्वर्ट करना, अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, और लार्ज स्केल में कैसे इसको आगे बढ़ाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक सोच था, तो इस संबंध में ईवी पॉलिसी भी उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो 2-3 दिन पहले भी एक जमशेदपुर में एक वर्कशॉप भी हुआ था, ईवी हब के रूप में इसको कैसे डेवलप करें। तो एक अच्छा, एक माने इमीडिएटली एक अच्छा एक इवेंट आज यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो लगातार जारी रहेगा। विशेषकर मैं इंडोमैक के जो प्रतिनिधि हैं मनीष जी, सुधीर जी और तापस जी के बारे में बताए हैं, लगातार इज वेरी प्रोएक्टिव एंड इज अ गुड फ्रेंड, इस एरिया को डेवलप करने के लिए काफ़ी वो तत्पर रहते हैं। और ऑटो क्लस्टर के ठाकुर जी, उनकी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया। और जैसे आपने बोला, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जरूर हूँ मैं, केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट ऐसा है कि अब नो मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा कि ग्रीन इंडस्ट्रीज भी आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आ रहा है। बायोडीजल के बारे में भी कुछ एक प्लांट मैंने देखा था, तो काफ़ी अच्छा वहाँ रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथोडोलॉजी की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और सॉफ्टवेयर का भी अभी SAP का एक स्टॉल मैंने देखा कि अक्सर मुझे भी एक महसूस हुआ है कि जो इतना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीन पार्ट्स एंड ऑटो इंडस्ट्री का कभी कंपनीज होने के बावजूद कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में या कोई IT या बिजनेस एनालिटिक्स सेक्टर में कोई कंसल्टिंग फॉर्म्स यहाँ इतना सफिशिएंट नंबर में नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं बाहर के कंपनी से, जो शायद बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, उन पे डिपेंडेंट हो रहे होंगे। बट आई अज्यूम दैट यहाँ कोई अच्छा, अगर कोई इस तरह का कंसल्टिंग शॉप अगर आ जाता है तो वो भी काफ़ी यूज़फुल होगा, वो अवेलेबल होंगे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के इमीडिएट नेसेसिटी के लिए। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है, तो सभी को एक अच्छा, ऑल लाइक पॉजिटिव सोच के लोग सब एक साथ आए हैं तो अच्छा ही होगा ज़रूर। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडोमैक को कि इतने अच्छे अक्रॉस द कंट्री कई सारे पार्टिसिपेंट्स को यहाँ जमशेदपुर, हमारे आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में ले आए हैं, उनको विशेष धन्यवाद। राजकमल जी, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा उत्साहित फील कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो फुटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है और मैं बड़ा ही ज़्यादा एनर्जाइज फील कर रहा हूँ। दूसरी बात कि जो बजट में भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर जोर दिया गया है, इस मशीन इंडस्ट्री, रोबोटिक्स,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के ऊपर प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर है और प्रधानमंत्री के चहेते उपायुक्तों में से आप हैं मैं जानता हूँ, और गीता भी पढ़ते हैं आप और केमिकल इंजीनियर भी हैं आप, क्योंकि मैं आपको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। तो आप ये बताएं कि जो ये मशीन इंडस्ट्री है, क्योंकि आज हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे हैं तो उसी की बात करेंगे, तो इस मशीन इंडस्ट्री का क्या स्कोप है इस मतलब अभी के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में खासकर? दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं एंड एक सेक्टर जो एक्चुअली काफ़ी पोटेंशियल हैं, जो अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो लॉजिस्टिक्स हैं जी। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में स्पेशली जैसे आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, मशीनरी ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेशली AI पता नहीं कितने लेवल तक हम लोग यूज़ करेंगे, बट जो नैरो AI जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन में स्पेशली, वो काफ़ी यूज़फुल होगा क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर का कंस्ट्रेंट भी हमेशा रहता है। एट द सेम टाइम लेबर होने के बावजूद जो उनको मिनियल टास्क में हम लोग आ देते हैं जहाँ ज़्यादा ह्यूमन पावर की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा एंड मोर यूज़फुल, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है वैसे जॉब्स हम लोग लेबर को हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से उनको ऑफर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मिक्स ऑफ ऑटोमेशन एंड मैन पावर होना चाहिए। तो ऑटोमेशन बढ़ाने के लिए ज़रूर मशीन पार्ट्स एंड दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स दोनों एक साथ आना चाहिए। तो यहाँ मशीन्स बनाने के लिए हमारे ऑटो क्लस्टर में सभी काफ़ी आगे हैं, तो और मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं, जस्ट दैट उसका इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं आज जो सैप का भी जो इंडस्ट्री देखा हूँ, कई सारे सॉफ्टवेयर या न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो जापानीज कंपनी के साथ एक आया भी है, तो इस तरह का मैं मान रहा हूँ कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटीग्रेटेड मोर ऑटोमेशन की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो उस पॉइंट से मैं मानता हूँ कि तभी हम लोग उस स्केल पे जा पाएंगे। एग्जांपल मैं अभी एक कंपनी से देख रहा हूँ कि जो अहमदाबाद से वो कंपनी आए हैं, आई थिंक बेयरिंग्स वो बना रहे हैं, वो 92% उनका द्वारा कहा जा रहा है कि 92% इंडिया में इंपोर्ट होता है चाइना से, ओनली 8% प्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो अनलेस अनटिल हम लोग ऑटोमेशन को यूज़ करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो प्रोडक्शन में इतना ग्रोथ हम लोगों का नहीं हो पाएगा, तो विल बी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना और अदर हॉस्टाइल या नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज। तो मैं चाहता हूँ कि भारत एक आत्मनिर्भर बनना है तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको एक जेंट लीप लेने की आवश्यकता है। तो जब वहाँ जरूर जो हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग वर्ल्ड फेमस हैं उसका सहयोग भी हम लोग ले सकते हैं एंड इसी के लिए ये इस तरह के एक्सपो की काफ़ी आवश्यकता है। जैसा कि साइलोस में हम लोग डेवलप नहीं हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर में हम लोगों का काफ़ी फेमस है, बट सॉफ्टवेयर या मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा यहाँ कोई इस तरह का पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसी तरह का एक्सपोज होने से न्यू टेक्नोलॉजी और इंटरेक्शन बढ़ता है, नेटवर्किंग होता है, तो वहाँ हम लोग और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी सीखते हैं और फास्ट हम लोग का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग जब कप्तान होंगे पूरे जिला का और उद्योग का, खास करके झारखंड का भी, तो इस स्टेट को डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।